मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल विपिन मैथ पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो का पार्ट टू। क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं, और जो PDF डालूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका क्वेश्चन नंबर है 39। दो संख्याएँ 5:9 के अनुपात में, दो संख्याएँ 5:9 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया तो उनका अनुपात हो जाता है कितना? 3:5। ठीक है, तो भाई अनुपात में मैं डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकता, पहले बता चुका हूँ। तो इसको करूँगा मैं 5x और ये हो जाएगा 9x। प्रत्येक में 16 जोड़ दिया अनुपात, बराबर हो जाएगा ये 3:5। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, देखो कैलकुलेशन शॉर्ट, 5×25x, 9×3 27x, 2x, 16×5 80, 16×3 48, बचे कितने? 16×2 32, एक्स बराबर आ गया 16। तो संख्या हो जाएंगी 16×5 80 और 16×9 144। ठीक है, आ गई। तो संख्या कौन कौन सी हो गई? 80 और 144। मैंने तुम्हें एक पैटर्न पहले बताया था कि अगर 2 अनुपात दे रखे हैं और उनमें घटोतरी या बढ़ोतरी की जाती है, उसके बाद में 2 अनुपात दे रखे हैं तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कि भाई 5:9 था, 3:5 हो गया, कब? जब हर एक में कितना जोड़ा गया है? 16। तो 5×25, 9×3 27, डिफरेंस 2 यूनिट, 16×5 80, 16×3 48 और डिफरेंस 16×2 32, 1 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 80, 9 की वैल्यू 144। ये तरीके बताए थे। अब आ जाओ मेरे वाले तरीके पर, देसी, ना पेन की ज़रूरत ना पेंसिल की ज़रूरत। ऑप्शंस, ऑप्शन हैं इसके 40, 72, 60, 108, 80, 144, 100, 180। तो भाई यहाँ कह रहा है वो अनुपात जो है ना 5:9 के अनुपात में है, 8×40, 8×9 72, 12×60, 12×9 108, 16×80, 16×9 144, 20×100, 20×9 180। बिल्कुल सही है, पहला वाला अनुपात बन रहा है 3:5। 3:5 नहीं, सॉरी, पहला वाला अनुपात था 5:9। अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या किससे विभाजित? 3:5 बन जाएगा, मतलब पहली वाली संख्या 3 से और दूसरी वाली 5 से विभाजित होगी। तो भैया 16 जोड़ा कितना हो गया? ये 56। 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, खत्म। 16 जोड़ा कितना हो गया? 76। 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, खत्म। 80 और 16 96, 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, हो सकता है। 100 और 16 116, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन सी रह गया। अगर 3 से डिवाइड हो रहा होता फिर मैं उधर चेक करता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन डायरेक्टली पता चल रहा है, कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए आगे आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर में बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूँ 40। x/y बराबर है 6:5, तो वो पूछ रहा है 5x+3y, ईजी क्वेश्चन है। अनुपात 5x-3y की वैल्यू क्या होगी, मतलब रेशियो निकालना है इनका। तो x की x अपॉन y का मतलब, x रेशियो y का मतलब हो गया x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 5, इसमें पुट करो और रेशियो निकाल दो। ईजी है, कर सकते हो। ठीक है, चलो x की वैल्यू, x और y की वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल सकते हैं हम आसानी से। आगे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए एक वो रह गया तुम्हारे, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, वो समझो। देखो प्रथमानुपाती यहाँ लिख देता हूँ मैं, a, b, c का प्रथमानुपाती। a, b, c का द्वितीयानुपाती। a, b, c का चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती बाद में लेंगे। a, b, c का तृतीयानुपाती और a, b, c का मध्यानुपाती।
पहली बात तो ये सभी के सभी में समानुपात वाली कंडीशन लगेगी। कौन सी लगेगी? समानुपात। समानुपात कहा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी के होना चाहिए, मतलब ये दो अनुपात इसके बराबर होने चाहिए, तो हम उसको बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं या फिर समानुपात वाला ये चिन्ह लगा देते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से करना होता है और वो दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। क्यों आते हैं वो चीज़ थोड़ा सा समझ लेना कि भाई 3:4 है बराबर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 12:16, ये दोनों अनुपात बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, मतलब 3/4 बराबर 12/16। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16 3 48 और 12 4 48, इस वजह से बोला जाता है कि दोनों अनुपात बराबर होते हैं, या फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इक्वल्स टू होता है सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। तो ओवरऑल मुझे यहाँ जो समझाने वाली बात थी, मुझे ये समझाना था कि ये समानुपात वाली कंडीशन में होंगे और समानुपात में हमारे पास में एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं? 4। तो भैया ए बी सी का प्रथमानुपाती द्वितीय अनुपाती चतुर्थानुपाती, यहाँ तो इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं आती कि जो पूछ रहा है वहीं पे पुट कर दो वैल्यू। कौन सा पूछ रहा है? प्रथमानुपाती, तो ये हो जाएगा एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू ए बी अपॉन में सी। यहाँ सॉल्व करता हूँ द्वितीय अनुपाती, तो दूसरे स्थान पर क्या मान लेंगे हम? एक्स, तो ये बनेगा ए अनुपात एक्स समानुपात बी अनुपात सी, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन में बी, ए सी अपॉन में बी। ए बी सी का चतुर्थानुपाती पूछता है तो चौथे स्थान पर एक्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, सॉरी बी अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन में ए। इंपॉर्टेंट है ए बी, ए बी सी नहीं होगा यहाँ, ए बी का तृतीय अनुपाती होगा और ए बी का मध्य अनुपाती होगा, ठीक है। जब तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो हम तीसरे स्थान पर एक्स मान लेते हैं, लेकिन अभी भी एलिमेंट्स कितने अपने पास में? 3, तो 4 एलिमेंट्स बनाने के लिए हम हमेशा बीच वाले को डबल करते हैं, तो तृतीय अनुपाती के लिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा अपना बी स्क्वायर अपॉन में ए। सेम कंडीशन लास्ट में, मध्यानुपाती पूछ रहा है तो मध्य में एक्स मानूंगा, हमें एलिमेंट्स कितने करने हैं? 4, तो जब 4 एलिमेंट्स करने हैं तो बीच वाले को डबल करते हैं हमेशा, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये वैल्यू पुट करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। एक रुपये पैसे वाले सिक्के वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन हम कोई सा भी ले लो, 55 ले लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 55 है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:4:8। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:8। ये सिक्के हैं, अब तो उनसे पूछ रहा है यदि थैले में कुल धन 116 रुपये है, टोटल रुपीज कितने हैं? 116, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, 120, 60, 145, 160। चलो ध्यान देना है यहाँ पे। पहला एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको स्पेशली समझना, रुपए पैसे वाले सिक्के पैसे वाले क्वेश्चंस में या रुपए सिक्के वाले क्वेश्चंस में हमें केवल एक बात याद रखनी है, सिक्के दे रखे हैं तो उनके रुपए बना दो, रुपए दे रखे हैं तो सिक्के बना दो। यहाँ सिक्कों का अनुपात था तो मैं रुपए बनाऊंगा या मुद्रा बनाऊंगा, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये बने, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये बने और 10 पैसे के 8 सिक्के 80 पैसे बने, और 80 पैसे को रुपए में बदलूंगा तो 0.8। कुल रुपए कितने दे रखे हैं? 116। जब कुल रुपए 116 दे रखे हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 2 5, 5.8, मतलब
रुपए वाली लाइन को जोड़ दो 3 यूनिट 2 यूनिट और 0.8 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5.8 यूनिट इक्वल्स टू 5.8 यूनिट की वैल्यू 116 है, हमें चाहिए किसकी 8 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से किसी भी ये यूनिट आपस में सेम रहती हैं, ठीक है 116 है, 5.8 की वैल्यू कितनी है 116, हमें चाहिए कितने की 8 की, तो 8 की वैल्यू जो होगी 100, ये देखो 5.8 है और अप्रोक्स 6 मान सकता हूँ और ये कितना है 8, इसका मतलब 116 के समथिंग होगा आंसर। 116 के समथिंग आंसर कौन कौन से हैं, 145 भी कह सकता हूँ, 120 भी कह सकता हूँ, तो ये ऑप्शन तो दोनों आउट हो गए यहाँ से। अगर मैं 120 और 145 की बात करता हूँ तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि 8 यूनिट की जब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो डेफिनेटली 8 से डिवाइड होगी होगी, तो 8 से 145 और 120 में से कौन सा डिवाइड हो रहा है 120, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 120, ठीक है। बाकी यहाँ से इसको x मान के सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 120। मैं ऑप्शंस को डायरेक्टली भी हिट कर सकता था, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 10 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, तो 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं, पहला होता है और लास्ट वाला होता है, तो ये दोनों तो खत्म हुए, ठीक है। जब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आगे 5.8 की वैल्यू 116 है, तो 8 की वैल्यू जस्ट इससे कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है, कुछ ज़्यादा 120 या 160, 120 होगी ना कि 160, 160 तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये रुपए पैसे वाले सिक्के के पैटर्न हो गए अपने। कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना रुपए दे सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो उसको रुपए में कन्वर्ट कर दो, और रुपए का अनुपात दे रखा है तो उसको सिक्के में कन्वर्ट कर दो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके का, देखते हैं। चलो 4 वाला लेता हूँ मैं। एक पर्स, ये क्वेश्चन नंबर है 60, एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के दे रखे हैं 1:2:3:4:5 में, ये सिक्के हैं। अगर मुझे इनसे रुपये बनाने हैं, क्यों एक ही लाइन है सिक्के को रुपए में, रुपए को सिक्के में, ये 1 रुपया बनेगा, ये 1 रुपया बनेगा, ये 1 रुपया बनेगा, ये भी 1 रुपया बनेगा, बहुत इजी था क्वेश्चन था ये तो। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये हो, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये हो, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, देखो सिक्कों की संख्या नहीं है, सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है 400 रुपये है, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80, और वो पूछ रहा है तुमसे 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितने अधिक हैं, कितने अधिक हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो आंसर हो जाएगा 80। मिस्टेक हो रही है इसमें, आंसर 100 कैसे दिया हुआ है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको क्या मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, वो पूछ रहा है 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का डिफरेंस कितना है, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 100, ये था क्वेश्चन। चलिए आगे, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ले रहा हूं मैं, 71 में कहके चल रहा है, एक वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल का वेतन 3:4 था, राम और गोपाल एक वर्ष पूर्व 3:4 था, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है, मतलब पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात दे दिया, पिछले वर्ष और इस वर्ष के वेतन का अनुपात है, राम के लिए तो है 4:5 और गोपाल के लिए है 2:3, तो एक बात बताओ ये पिछले वर्ष का है ये इस वर्ष का है, तो बढ़ा या घटा है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है 5/4 गुना कह सकता हूँ इसको, 4/5 गुना नहीं लेना क्योंकि ये तो पिछले वर्ष का है, बढ़कर कितना हुआ है 5, 4 से बढ़कर कितना हुआ है 5, अगर मैं गुने की बात करता हूँ तो कितना हुआ है ये 5/4 गुना, ये कितना हुआ है 3/2 गुना, पिछले वर्ष कितना था राम का 3, तो इस वर्ष कितना हो जाएगा 5/4, पिछले वर्ष गोपाल का कितना था 4, इस वर्ष कितना हो गया 3/2 गुना,
इसको सॉर्ट आउट कर दो। देखो भैया, तीन से तीन कट गया, दो दूनी चार हो गया, पाँच दो चौके आठ, पाँच अनुपात आठ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा, इसमें क्वेश्चन अभी बाकी हो रहे हैं। अब वो कह रहा है उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है, तो पाँच और आठ 13 यूनिट की वैल्यू है 8320। राम का वेतन अब कितना है? राम का वेतन अब कितना था भाई? 5 यूनिट, 13 की ये है तो 5 की कितनी हो जाएगी, x कर दो सॉल्व, तो 13 से कट जाएगा, 13 छिंग 78, कितना बन गया 5, 13 चौक 52, 640, 5 का गुणा 5 गुणा 600 3000 और 5 गुणा 40 200, तो x बराबर हो जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, चलिए आगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 72। एक दो अंकों की संख्या तथा इस संख्या के अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यदि दाई का अंक इकाई के अंक से एक ज़्यादा है, तो भैया देख लो, दाई का अंक इकाई के अंक से एक ज़्यादा किस में? सब में। अच्छा, इसमें ऑप्शन और दिया हुआ नन, चलो कोई बात नहीं। यदि दो संख्याओं के अंकों का योग इस संख्या के अंकों के योग का अनुपात है 7:1, तो भैया ऑप्शन से करो तो ज़्यादा बेटर है, 21 है। ठीक है, अब वो कह के चल रहा है दो संख्या के, एक दो अंकों की संख्या तथा इस संख्या के अंकों के योग का अनुपात, तो भैया दो अंकों की संख्या 21 हो गई, इसके योग का अनुपात 3 हो गया, अंकों के योग का 3 से 7 बार कट गया, हो गया ऑप्शन 21 है। चलो आ गया, क्वेश्चन नंबर 110 है। पी क्यू आर 1:2:4 है, अंडर रूट 5p² + q² + r² की वैल्यू वो पूछ रहा है के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते। ऑप्शंस दिए हुए इसने 5 2q और 5p और 4r, सॉल्व करते हैं। तो भैया p की जगह 1, क्यू की जगह 2 और आर की जगह 4 पुट कर दो। पी की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 5, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, आर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 5 25, 25 ना दे करके उसने क्वेश्चन घुमा के दिया, पहला खत्म। 2q, क्यू की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, खत्म। 5p का मतलब हो गया 5 × p, p की वैल्यू कितनी है 5p, p की वैल्यू कितनी है 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, रोक दो, ये 25 बन रहा था, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5, पहला ऑप्शन 5, अरे इसमें पहला ऑप्शन भी सही है 5, और इसमें और ऑप्शन भी दिए हुए हैं 5p का मतलब हो गया p की वैल्यू कितनी है 1, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन आंसर जो SSC ने माना है वो 5p को माना है। क्यों माना है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो था ना, ये एक्स अनुपात को हम एक्स से रिलेटेड करते हैं, 5 अगर आंसर टिक कर दिया तुमने तो 5 गलत हो जाएगा। सबसे पहले अनुपात को, ये तो कैलकुलेशन पैटर्न होता है हमारा सॉल्व करने के लिए, अनुपात को हम एक्स से रिलेटेड करते हैं, एक्स 2x और 4x, जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ पे ये x² x² और x² इस तरीके से बन के आएगा, मतलब ये 5x² बन के आएगा, अंडर रूट लूंगा तो 5x रह जाएगा। तो 5x के अकॉर्डिंग जो 5x वैल्यू थी वो किसकी थी, एक्स वैल्यू किसकी थी, पी की, तो ऑप्शन जो है वो 5p है ना कि 5। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, हमें 5p टिक करना पड़ेगा। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 125 पे बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, PDF में, अगर किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिएगा, उसको अगले वीडियो में क्लियर करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, दो विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 900, ए और बी टोटल है इनका 900। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी, इसका मतलब ए का 95% रह जाएगा, और विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि, इसका मतलब इसका 114% हो जाएगा।
हो जाए तो दोनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, बराबर हो गई। तो भैया इसको कर दो, 19 × 95 = 19 × 6 = 114, ए बटे बी बराबर 6/5, टोटल 13 यूनिट, ए की वैल्यू 6 यूनिट, बी की वैल्यू 5 यूनिट। फिर आगे कह रहा है, तो विद्यालय ए की विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, अनुपात पूछ रहा था केवल, तो आंसर हो गया हमारा 6:5, यही आंसर है। ठीक है, चलो 125 तक हुए, इसके बाद में अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है।